नमस्कार सो मैं हूं नील और आप देख रही है इंडिया लेटेस्ट रिक्स। तो सो अगर आपको भी चाहिए पूरे 50,000 तक का लोन सिर्फ आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पे जी हाँ। सो अगर आपके पास सिर्फ आपका आधार कार्ड पैन कार्ड है तो 100% दोस्तों इस नए एप्लीकेशन की वजह से घर बैठे इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हो पूरे 50,000 तक का सिर्फ अपने आधार कार्ड पैन कार्ड पे। अगर आपको भी लेना है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, टाइम निकाल के। इस वीडियो में आपको अच्छे से बताया हूँ कैसे आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, कौन सा ये एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, पूरी जानकारी बताऊंगा, कितना परसेंट ब्याज है सारा जानकारी दूंगा ताकि तो आप अच्छे समझ सको और आप भी घर बैठे पूरे 50,000 तक का लोन सिर्फ अपने आधार कार्ड पैन कार्ड पर ले सको। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करते हुए सपोर्ट मिलता है कि आपके लिए इस वीडियो लेकर आ रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ दोस्तों ये बेल घंटा दिख रहा है इसे भी दबा दीजिएगा कि दोस्तों आने वाली जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलता रहे और एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। जी दोस्तों अगर आपको भी चाहिए सिर्फ आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पे लोन पूरे 50,000 तक का बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के सिर्फ अपने आधार कार्ड पैन कार्ड पे, तो आज आपके लिए सबसे बेस्ट और नया एप्लीकेशन लेके आ गया हूँ। इसका नाम दोस्तों फ्लैश कैश। ध्यान रखिए फ्लैश कैश, एक एप्लीकेशन का लिंक दिया हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर दोस्तों वो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, वहाँ से आपको पर्सनल लोन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फ्लैश कैश आपको दिख जाएगा, ये एप्लीकेशन में दोस्तों आपको डाउनलोड कर लेना है। ध्यान रखिए डाउनलोड करने से पहले दोस्तों बता दूँ आपको ये जानकारी आपको पूरी लेनी चाहिए कि कैसे आपको करना है और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स में हमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। ऐसे तो आधार कार्ड पिन कार्ड चाहिए लेकिन दोस्तों उससे महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाला हूं ताकि दोस्तों अच्छे समझ सको और आपका लोन कभी रिजेक्ट ना हो। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा स्किप बिना स्किप किए बिना, ठीक है। दोस्तों इसका नाम है फ्लैश कैश। इस पर दोस्तों पहले आपको इस पर तो मिल रहा है 50,000 तक का लोन, ध्यान रखिए 50,000 लोन कैसे मिलेगा वो भी आपको बताऊंगा। पहले आपको मिलेगा छोटा लोन, उसको धीरे धीरे बड़ा लोन मिलेगा। ध्यान रखिए पहले ले सकते हो 3,000 से लेके 10,000 तक लोन ले सकते हो, यहाँ पे 2 महीने से लेके 1 साल के लिए EMI बना सकते हो, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। 1 साल के लिए EMI बना सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। और इंटरेस्ट रेट की बात करें 0% से लेके यहाँ पे 5% तक का इंटरेस्ट रेट है, काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट है, आप इस पर देख सकते हैं। और सो लोन आपका अप्रूवल हो गया था 5 घंटे से पहले आपके बैंक में पैसे मिल जाते हैं, धन की 1 घंटे से लेके 5 घंटे से पहले, ठीक है, आपके बैंक में पैसे सीधे मिल जाएंगे। और सो ध्यान रखिए इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको कुछ नहीं देना है, बस आपको देना है सेल्फी आधार कार्ड पैन कार्ड, ध्यान रखिए, ठीक है, सेल्फी आधार कार्ड पैन कार्ड इस एप्लीकेशन में आपको अपलोड करना है और आपको फटाफट लोन आपको मिल जाएगा। और ध्यान रखिए दोस्तों उससे महत्वपूर्ण बात, इस पर अगर आपका सिविल सही रहा तभी आपको लोन मिलेगा, वरना आपको लोन नहीं मिलेगा। सिविल अगर आपको चेक करना है कि आपका सिविल कितना है तो एक एप्लीकेशन का लिंक दिया हूँ, उस एप्लीकेशन जाकर डाउनलोड करके वहाँ से अपना सिविल चेक कर सकते हैं। अगर आपका सिविल 650 से प्लस रहा तभी जाके दोस्तों इस पर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, वरना लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। ध्यान के उसके बाद अगर करते भी हैं तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान के, ठीक है, 650 से प्लस होगा तभी जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर आपको 50,000 तक का लोन पहले चाहिए तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट यहाँ पे बैंक का स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा, ध्यान रखिए। अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं तो आपको कम अमाउंट मिलेगा, ध्यान रखिए। उसके बाद दोस्तों लोन लेने के लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं देना है, बस आपको आपका नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड। और ध्यान रखिए दोस्तों बहुत बंदे पता क्या करते हैं, बहुत बंदे ये करते हैं कि मान लीजिए किसी के नाम पे, किसी दूसरे के नाम पे अप्लाई करते हैं और अपना अकाउंट नंबर देते हैं, ऐसे होने पर दोस्तों लोन जो है रिजेक्ट हो जाता है, ध्यान रखिए। बिल्कुल सेम जिसका नाम है उसके नाम पे अकाउंट नंबर होना चाहिए तभी जाके लोन उसके बैंक में आएगा, वरना लोन रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आके यहाँ पे आपको आके अप्लाई नंबर पे क्लिक करना है, अप्लाई नंबर जैसे ही क्लिक करेंगे चले जाएंगे प्ले स्टोर पे, ये फ्लैश कैश एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है, ध्यान रखिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन, नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ जैसे फेसबुक पे हम साइन अप करते हैं उस तरह, ठीक है, अपना नाम, ईमेल एड्रेस, ये सब आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना आधार कार्ड पैन कार्ड, जैसे कि आधार कार्ड का फ्रंट और बैक अपलोड करना है और पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है, अपना सेल्फी। और ध्यान रखिए जो आपके आधार कार्ड पर मोबाइल में अटैच है वो आपके साथ में होना चाहिए, डिजिटल ये साइन लेता है, ध्यान रखिए। डिजिटल साइन यानी इंस्टेंट आपको लोन चाहिए तो डिजिटल आपको साइन करना पड़ेगा, और आपके आधार कार्ड मोबाइल में अटैच नहीं है तो आपको डिजिटल साइन नहीं होगा, आपको लोन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इस तरह दोस्तों ले सकते हो फ्लैश कैश से इंस्टेंट पर्सनल लोन घर बैठे। अगर आपने पूरी वीडियो मेरे देखा होगा तो आप समझ गए हो कैसे आपको लेना है, कई बंदे मेरे पूरे वीडियो नहीं देखते हैं और जैसे ही बताता हूँ कि भाई नई एप्लीकेशन आई है तो थोड़ा डाउनलोड करते हैं, चले जाते हैं अप्लाई करने के लिए, उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है। आप मेरे पूरे वीडियो को देखो, समझो, आपको बता दिया हूँ कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, कितना परसेंट मतलब कितना आपको सिविल होना चाहिए। सिविल सबसे ज़्यादा यहाँ पे
आपको महत्वपूर्ण रखता है अध्ययन के लिए, ठीक है। सिविल सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे ध्यान रहना चाहिए, आपका सिविल सही नहीं रहेगा तो आपको लोन नहीं मिलेगा अध्ययन के लिए। तो सो आइए एक बार फ्लैश कैसे ट्राई कीजिए, कहीं से आपको इंस्टेंट पैसे की ज़रूरत है तो आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन सिर्फ आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पर मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, ऐसी वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करते हैं तो आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता हूँ, ठीक है। आज के इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।